सुनाओ, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए फाइनाइट लेंथ रॉड, इसके डिफरेंट केसेस है, वो डिफरेंट केसेस अभी हम लोग देखेंगे। सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट लेंथ रॉड होता है, जैसे कि दिस इज योर फाइनाइट लेंथ रॉड राइट, और विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। या चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस खाली डायरेक्शन का फ़र्क है। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, अपने आप आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चार्ज डेंसिटी इज लैम्बडा राइट। तो हमको पता है इसमें कोई भी पॉइंट पे, इन जनरल एट एनी पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इन जनरल केस है, सो इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय डी। आप देखेंगे दोनों में कॉमन आएगा, हाँ एक में है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आई कैप, दूसरा है माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे कैप। ये आप चेक कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ये वाला पार्ट हम लोगों ने देखा है। सी हम लोगों ने देखा है, मैं इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए कॉमन ले लेते हैं, डी यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, ए लेते हैं, हम लोगों ने ए रखा हुआ है। ऐसा आ गया कोई भी डिस्टेंस में, अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव राइट। सो अब मेरे को तीन चार सिनेरियो में आपको बताता हूँ अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या क्या होगी राइट। जैसे कि ये आपके पास है केस वन, जैसे कि ये फर्स्ट केस यहाँ पर बन रहा है, दिस इज केस वन, तो केस वन में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ और एक बार बनाते हैं हम लोग। केस वन जब आपके पास क्या होता है, डिफरेंट केसेस खाली बताऊंगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला, बस डिफरेंट केसेस लेके दिखाऊंगा आपको। दिस इज योर चार्ज रॉड, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा राइट। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ जो यहाँ पर कहीं लाइक कर रहा है, आपको बता दिया था पॉइंट का लोकेशन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर से आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके एजेस को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किए, सिमिलरली इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किए, नाउ एंगल्स, नाउ दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, बताया है नेगेटिव है। तो आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट पी फील्ड इज गिवन बाय, मैं यहाँ पर डायरेक्शन भी बना दूंगा, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो लैम्बडा बाय ए, ये डिस्टेंस है ए, देखो अल्फा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है, तो साइन अल्फा, साइन बीटा के जगह पे माइनस बीटा लिखूँगा, इस बीटा के जगह पे माइनस बीटा लिखूँगा राइट, माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा आई कैप माइनस कॉस अल्फा बीटा के जगह पे माइनस बीटा जे कैप। तो ये वैल्यू देख लो क्या आ रही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा आई कैप, माइनस
कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जे। अब ये डिपेंड करता है कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है, बिकॉज एक्स कॉम्पोनेंट तो अवे ही आने वाला है, पॉजिटिव आई कैप है, नेगेटिव कभी इसमें आने वाला है नहीं, इस केस में तो नहीं आने वाला। तो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, देख लो ये पॉजिटिव है ई एक्स, क्योंकि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव अल्फा है, क्यूट ना कॉस अल्फा माइनस इधर माइनस साइन है। अगर आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर हो जाएगा, और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो ये वैल्यू नीचे हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है, इफ़ कॉस अल्फा इज़ ग्रेटर देन कॉस बीटा तब ये कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा, वरना कॉस अल्फा तो नीचे आएगा वरना ये ऊपर आएगा। अब ये डिपेंड करता है, चलो वो वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो इफ़ आपके पास यहाँ पर क्या केस है, ये वाला मान के चलो कॉस अल्फा इज़ ग्रेटर देन कॉस बीटा, तो नीचे की तरफ है ई वाई, ये तब है इफ़ कॉस अल्फ़ा इज ग्रेटर देन कॉस बीटा। ये क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा अल्फ़ा बीटा से। तो अगर ऐसे है तो देख लो रिजल्टेंट फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, इधर आपके पास दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा अगर कॉस अल्फ़ा इज़ लेस देन होता, ज़्यादा नहीं, ये ऊपर की तरफ होता, इधर कहीं एक आ जाती रिजल्टेंट फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से निकाल ही लेंगे। और ऐसा मत समझना ये डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन, इजी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी तो आप ये आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ सेकंड केस, और यहाँ पर आपको आई होप समझ में आया, सेकंड केस, केस टू, वापस है आपने ये लिया और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, दो पॉइंट इसी में ही हम लोग लेके समझ जाएंगे। पहला पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इसके सामने, देखो बताता हूँ, इस पॉइंट के सामने, ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, सबसे पहले मैं किसका निकालता हूँ, पॉइंट पॉइंट पी यहाँ पर निकालता हूँ, दिस इज पॉइंट पी, ऊपर की तरफ अब ज्वाइन कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, राइट, ये हो गया। और हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन करना ही है हमको, राइट, और परपेंडिकुलर तो भाई बनाना ही बनाना है, परपेंडिकुलर छुप गया है, ज्वाइन किए, राइट। तो अब देख सकते हैं अल्फा यहाँ पर ज़ीरो हो गया है इस केस में, इधर बीटा आ रहा है, देर इज़ बीटा, अल्फा इक्वल्स ज़ीरो बट देर इज़ बीटा एंड बीटा इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो इस केस में जब आप फील्ड लिखना चाहेंगे ई पी वैक्टर, इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा बाय ए, देखो साइन अल्फा अल्फा ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस ऑफ साइन बीटा मतलब साइन बीटा आई कैप, माइनस कॉस अल्फा कॉस ज़ीरो वन, वन माइनस कॉस बीटा जे कैप। अब इधर मैंडेटरी है कि ये वाली वैल्यू नीचे की तरफ ही आएगी, क्योंकि कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, कॉस मतलब और वन से तो हो गया, तो ये तो पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया आपके पास ई एक्स और ये हो गया ई वाई, और रिजल्टेंट फील्ड आपके पास इधर कहीं आ जाएगी ई पी। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं इसके सामने, इसके सामने देखो, इधर आपने पॉइंट लिया, राइट, जब इधर आप पॉइंट लेंगे वापस से आप क्या करेंगे, दो लाइन डालेंगे,
दो लाइन डाला गया। देखो सबसे पहले यहाँ से ज्वाइन करेंगे, दूसरा कहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से। सो आपके पास इस केस में क्यू पे, इस क्यू वाले केस में क्या हो गया, अल्फ़ा इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, बीटा इक्वल्स ज़ीरो। देख लो ऐसा ही तो हुआ है क्यू वाले केस में। तो आप इस केस में जब ई क्यू वेक्टर लिखेंगे, 1/4 pi epsilon naught लैम्ब्डा बाय ए साइन अल्फा आई कैप, क्योंकि बीटा तो ज़ीरो हो चुका है, प्लस सॉरी माइनस कॉस अल्फा माइनस वन। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि कॉस बीटा आपके पास ज़ीरो होता है, और आप क्या करेंगे, कॉस अल्फा माइनस वन डालेंगे, ख़त्म। अब आप यहाँ पर एक बात बता दो, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है साइन अल्फा ई एक्स, और कॉस अल्फा माइनस वन दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, ये है अल्फा आपके पास। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। ये दो डिफरेंट केस है, मत समझ लेना सर इसका अल्फा लिख रहा हूँ, नहीं, ये पी का अलग बना लिया, क्यू का अलग है, और ये हो गया ई वाई ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ई क्यू वैक्टर, दिस इज रिजल्टेंट फील्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट। ये सेकेंड केस है। थर्ड केस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो वाला सिनेरियो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले लेंगे, ये क्यू वाला पॉइंट अगर इधर होता तो अल्फ़ा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, और पी वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर होता अल्फ़ा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, ऐसा मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। नाउ एक इम्पॉर्टेंट केस है थर्ड, इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इनफाइनाइट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, ये टर्म का मतलब समझाता हूँ, देखो ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज इनफाइनाइट, ये टर्म का मतलब समझा रहा हूँ, समझना। नाउ दिस इज़ कॉल्ड, अभी तो मैं इसको कितना जूम इन करके रखा हुआ था, मैं इसको 100% करके आपको दिखाता हूँ इनफाइनाइट टर्म का मतलब क्या है, राइट। अब आप देखो दिस इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट बिकॉज अब इन्फिनिटी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट इधर चूज कर रहा हूँ जो कि पास में है, फिर मैं क्या करूँगा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का इधर से, चलो पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं, अगर ये शिफ्ट नहीं हो रहा है तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है यहाँ से, ये रहा,
दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर से दोनों एंड को ज्वाइन करते हैं। सो दोनों एंड दिखाई देने से हम लोग अपने आप ज्वाइन कर देंगे। अब देखो दोनों एंड को ज्वाइन करना है मुझे परपेंडिकुलर से, राइट। सबसे पहले ये वाला एंड, उसके बाद ये वाला एंड, दूसरा वाला एंड कुछ ज़्यादा ही दूर है, फिर भी हम ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हो गया ज्वाइन। अब आप एंगल देख सकते हैं इधर, दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों को ज्वाइन किया है दोनों एंड से, दोनों एंड पे ज्वाइन है। ये इस एंड से ज्वाइन किया है, ये इस एंड से ज्वाइन किया है, राइट। ऐसा ही हो रहा है, तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वाली ही स्टोरी है। और आप एंगल देखिए ज़रा, अल्फा और बीटा वाला एंगल, दिस टू एंगल आर अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली पाई बाय टू या 90 डिग्री एंड बीटा इज अप्रॉक्सीमेटली माइनस पाई बाय टू और माइनस 90 डिग्री। यू कैन सी दैट अप्रॉक्सीमेटली। इसी को ही तो इन्फिनाइट बोलते हैं। इन्फिनिटी वर्ड का मतलब क्या है आपको पहले ही बता दिया था, लेंथ बड़ा, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट के लिए ये इन्फिनाइट ही तो है, ये लेंथ बहुत छोटा है, तो आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 तो दिखाई ही दे रहा है मेरे को। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस पॉइंट का नाम पी दिया गया है, तो इधर पुट करके वैल्यू निकालते हैं। एट पॉइंट पी इक्वल्स 1/4π ε0 लैम्डा बाय ए साइन पाई बाय टू माइनस ऑफ माइनस पाई बाय टू, राइट। एंड आई कैप प्लस, सॉरी माइनस कॉस पाई बाय टू माइनस ऑफ कॉस माइनस पाई बाय टू जे कैप। अब आप यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको इधर आंसर कि ये तो ज़ीरो हो गया है, आंसर आ रहा है 1/4π ε0 लैम्डा बाय ए साइन पाई बाय टू 1, साइन माइनस पाई बाय टू इज माइनस 1, दैट इज टू लैम्डा बाय ए 1/4π ε0 आई कैप। इसका मतलब जब आपके पास इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर होगा, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इस तरीके से इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दिस इज इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर, चलता ही रहेगा, राइट ना। कोई भी पॉइंट पे आपके पास, जैसे कि इस पॉइंट पे आप क्या निकालना चाहते हैं, फील्ड निकालना चाहते हैं फॉर इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर, तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं या ए ले रहे हैं, फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाय 1/4π ε0 टू लैम्डा बाय ए एंड डायरेक्शन इज दिस। ये याद रहे, और इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है,
हमको यहाँ पर सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मतलब एट डिस्टेंस ए आप कोई भी पॉइंट ले लो, फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होने वाली। अगर डिस्टेंस ए आपने कोई भी एक पॉइंट लिया है एक डिस्टेंस ए पे, तो वहाँ पर आपके पास फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी और बाहर की तरफ रहेगी, रेडियली आउटवर्ड, राइट। ये वाला मैं आपको 3D मॉडल में दिखा दूँगा। सो दिस इज़ द 3D मॉडल। लेट्स सी दिस 3D मॉडल, राइट। नाउ आपके पास यहाँ पर जो सी ये है, आपके पास जो बीच में है दिखाया हूँ मैं, दिस वन इज़ योर लाइन चार्ज, राइट। इन्फानाइट लाइन चार्ज, दिस इज़ इन्फानाइट लाइन चार्ज, राइट। मैं कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, सी मैंने यहाँ से ये वाले डिस्टेंस पे, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाले डिस्टेंस पे, ये रेडियस है ए का, रेडियस पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हुए देखेंगे तो इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, राइट। एंड बिकॉज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय 1/4π ε0 2λa। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पर्टिक्यूलर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा डिपेंड्स ओनली ऑन ए, एंड व्हाट इज दिस ए, इज दिस, ये रेडियस, दिस रेडियस, दिस डिस्टेंस, ये ए है आपके पास। अगर आपके पास ए कांस्टेंट है तो एट एवरी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, एट एवरी पॉइंट देखो ऑन द सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम and radially outward, so we call it as cylindrical symmetry। मतलब आप अगर यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही आपको दिखाई देगी। अगर ऊपर से देख रहा हूँ तो रेडियली आउटवर्ड आपको दिखाई देगी, और ये सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, यू कैन सी द सिलेंड्रिकल सिमेट्री, हर पॉइंट पर आपके पास क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, राइट। सो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज में, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी इक्वल्स 1/4π ε0 2λa, एंड इन इट वी सी अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड द सिलेंड्रिक मीनिंग ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है यहाँ से अगर आप ए रेडियस का सिलेंडर बनाएंगे, ए रेडियस का सिलेंडर बनाएंगे, ये पॉइंट पी है ऑन इट, राइट। अगर ए रेडियस का आप सिलेंडर बनाएंगे, सो मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ, एट एवरी पॉइंट ऑन सिलेंडर of radius A, electric field is magnitude of electric field, electric field को तो same नहीं बोलूँगा, magnitude of field is same and is in radially outward direction। इस केस में so hence infinite लॉन्ग चार्ज्ड
rod has cylindrical symmetry. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इसकी सिमेट्री आपको कैसे मिलेगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री. सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ. सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है आपके पास एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आपके पास हर एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस. आप ऐसा समझना खाली ये सिलेंडर, सिलेंडर को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं. एंड हर एक पॉइंट पे आपके पास फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी. सिलेंडर का लेंथ बड़ा होगा, सिलेंडर का लेंथ को बड़ा करो, आपके पास फील्ड की वैल्यू भी उसी तरीके से उसी सिलेंडर पे सेम रहेगी हर एक पॉइंट पे. आई होप आपको ये फिगर समझ में आया हो, राइट?